आज वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग अपने हरियाणा गवर्नमेंट टैबलेट में असिस्टेंट मेन्यू और साइड की को चला सकते हो। तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना एंड चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बहुत सारे भाई सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक मिलने वाली है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना, भाई पूरी लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके टैबलेट में असिस्टेंट मेन्यू साइड की चल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने हरियाणा गवर्नमेंट टैबलेट के अंदर में असिस्टेंट मेन्यू को और साइड की को किस तरीके से चला सकते हो। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत भाई स्किप कर करके देखते हैं, उनको स्टेप समझ में नहीं आते, फिर वो कमेंट करते हैं कि हमारे टैबलेट में नहीं चला। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर असिस्टेंट मेन्यू, इसको किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इसको चला सकते हो गाइस, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आई वाले ऑप्शन पर चले जाके वाईफाई सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाओगे तो यहाँ पर वाईफाई में चले जाना है। वाईफाई में चले जाने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। वाईफाई में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस सर्च के ऑप्शन पर टाइप करोगे, बिना ही कुछ किए आपकी सेटिंग जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी गाइस, ठीक है। इसका पहला फ़ायदा तो ये है गाइस, ठीक है, आपकी सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैंने सेटिंग ओपन करने का तरीका आप लोगों को बता रखा है। सेटिंग जैसे ही आप लोग अपनी सेटिंग ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है वो भी बताऊंगा। तो कहीं साइड की भी आप लोग देखते हो, मेरी साइड साइड की भी चल रही है। जैसे आप अपनी साइड की जैसे आप लोग अपनी सेटिंग को ओपन करोगे यहाँ पर आपको सिंपली क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको असिस्टेंट मेन्यू सर्च कर लेना है गाइस, ठीक है। इसका नाम है गाइस असिस्टेंट मेन्यू। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे इसका नाम क्या है, इसका नाम है असिस्टेंट मेन्यू। तो गाइस नीचे आपको शो हो रहा होगा असिस्टेंट मेन्यू, इसको आपको ऑन ही रखना है गाइस। अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, आपके टैबलेट में ये वर्किंग करने लग जाएगा। इसको मैं क्लिक करके बता देता हूँ कि ऐसे आपको इसको ऑन करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसको आपका ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर लेना है गाइस, ठीक है। मैं इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप अलो कर लेना गाइस आपको यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो है असिस्टेंट मेन्यू जो है आपका ऑन हो जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग यहाँ पर साइड की को इनेबल कर सकते हो गाइस, ठीक है। आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो गाइस मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस असिस्टेंट मेन्यू में। तो गाइस यहाँ पर आपको साइड की सिंपली सर्च कर लेना है, वो तो सभी भाइयों को करना आता होगा। जिसकी टैबलेट पे सेटिंग वर्क नहीं कर रही है मेरे को कमेंट कर सकता है भाई, मैं उसकी सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। यहाँ पर साइड की पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कोई सा भी ऐप सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर डिवाइस केयर कर रखा है, आप लोग यहाँ पर कोई सा भी ऐप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो मैं यहाँ पर अपना लॉक खोल लेता हूँ पहले। एंड गाइस यहाँ से आपकी जो है डिवाइस के मतलब कि साइड की है वो ओपन नहीं होगी, आपको वाईफाई में जाना होगा। फिर यहाँ से आपको असिस्टेंट मेन्यू के सर्च में जाना होगा गाइस। एंड यहाँ पर आपको जैसे ही डबल टैप करोगे तो आपकी यहाँ पर डिवाइस केयर वाली सर्विस जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपका जो साइड की है असिस्टेंट मेन्यू है दोनों के दोनों चल जाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।